अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं हूँ आपका दोस्त असद बलोच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असद बलोच ब्लॉग्स। ये तो दोस्तों क्या हाल चाल है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। कल की वीडियो जो है वो मे बी अभी आप देख रहे होंगे या नहीं देखी होगी, क्योंकि वीडियो जो है कल मैं नहीं लगा सका था, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो भी आज वीडियो आ जाएगी इस ब्लॉग के साथ साथ। जी तो दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। मैं फैसलाबाद तकरीबन ही हम लोग पहुँचने लगे हैं, बाबा जान साथ हैं और साइम साहब साथ हैं, क्योंकि नसरुल्लाह की फ़्लाइट कल जो है मुल्तान की उसकी फ़्लाइट थी, वो प्लेन जो था वो ऑलरेडी मिस हो गया था उस वजह से। अभी तकरीबन फैसलाबाद हम लोग पहुंच चुके हैं और फ़्लाइट जो है वो लैंड करने वाली है थोड़ी देर तक, फिर इंशाल्लाह नसरुल्लाह से गपशप करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, एटीएम जो है वो लग गया है, क्योंकि भाई स्लैन साहब जो है वो बार बार ट्रांजेक्शन करते रहे हैं गलत, और इस वजह से ब्लॉक कर दिया था। अभी अनब्लॉक करवाया और जाके जी लगाई है ट्रांजेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजेक्शन जो है हो गई। अभी चलते हैं एयरपोर्ट की जानिब। ड्राइवर मैं इधर गाड़ी धुलवाने के लिए रुका, तो ये ज़रा देखिए माशाल्लाह, एक ऊँटनी है और साथ में छोटे बच्चे हैं, ये लेके जा रहे हैं। गाड़ी हम लोगों ने दे दी है जी धुलने के लिए, जो कि टाइम था थोड़ा, फ्लाइट थोड़ी डिले है आज भी, तो हम लोगों ने बोला कि पहले जो है गाड़ी उसको वॉश करवा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला ईदियों के चलते। काफ़ी टाइम हो गया था, गाड़ी को वॉश भी नहीं करवाया था, कंडीशन इसकी जो थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये देखें व्यूअर्स, गन्ने का रस हो और इंजॉय ना करें ये नहीं हो सकता। आपको भी ये हमारे लिए गन्ने का रस जो है वो फ्रेश रेडी हो रहा है माशाल्लाह। भाई जो है वो किस तरह क्लीन करके गन्ने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी देखिए, गीला कपड़ा करके पहले उनको साफ़ करें और उसके बाद लगा रहे हैं, एकदम लश जो है वो गन्ना जो है वो नज़र आ रहा है। मशीन माशाल्लाह चल रही है, भाई का सेटअप देखें क्या खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है, एकदम आउट क्लास। गाड़ी भी हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई थी, खुलवा के लश लश नज़र आ रही है। और ये काश्त किया हुआ है जी साथ कनोला, जिसको राया वगैरह भी बोलते हैं, सही। और ये साथ माशाल्लाह खमाद, अबू कह रहे थे भाई को कि आप इधर से ही गन्ने तोड़ के और यहाँ पे ला के रख देते हैं और फिर इनको सर्व करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नसरुल्लाह साहब की जो है फ़्लाइट 2 बजे की है और हम लोग भी पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे, फिर इंशाल्लाह नसरुल्लाह को रिसीव करते हैं और वो सीट भी आपको दिखाते हैं। नसरुल्लाह साहब तकरीबन ही 8 माह बाद जो है वापस आ रहे हैं तकरीबन। जी तो व्यूअर्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नसरुल्लाह साहब जो है वो पहुंच गए हैं जी। हाँ जी नसरुल्लाह साहब सुनाओ, पहुंच गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तो सुबह से वेट कर करके जनाब दिमाग ख़राब हो गया, कैसा रहा सफ़र? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, माशाल्लाह बहरीन में स्टे हो गया था वहाँ पे। हाँ जी, और वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मोहसिन मोहसिन भाई, सही इंजॉय करवाया, बहुत इंजॉय कराया इसने, पूरी रात घूमते रहे हैं, खाना वगैरह खाए, इंजॉयमेंट किया। रबी माशाल्लाह वो बहुत नाराज था कि वो बोल रहा था कि 2 दिन का स्टे लेना था यहाँ पे। चले मोहसिन भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने आना वाया बहरीन तो आप मेरी फ़्लाइट कैंसिलेशन का भी जो है वो दम दरूद कीजिएगा कि मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो। चले जी, इंशाल्लाह अभी मिलते हैं जी, चलते हैं चंद, सब लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है आज से शादी की जो सेलिब्रेशंस हैं वो स्टार्ट हैं।